सुप्रभात द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में जन जन का चेहरा एक कविता लेकर, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। इसके पहले वीडियो में हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध की जीवनी को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जन जन का चेहरा एक का भावार्थ देखेंगे। देखिए कविता इस प्रकार है, थोड़ी लंबी कविता है ये, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे इसको। देखिए कविता की लाइन्स इस प्रकार है, आप अपने किताब में देख लेंगे। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक, एशिया की यूरोप की अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। इस कविता के द्वारा कवि, मैं पहले ही बताई कि कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में जितने भी शोषक वर्ग हैं, जितने भी शोषित लोग हैं, और शोषण का तरीका जो है या जो संरचना है शोषण का, वो सब एक है। इसी बात को इन्होंने इस पूरी कविता में अलग अलग उदाहरण के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। देखिए कैसे है, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। कह रहे हैं कि चाहे जिस देश का हो, जिस राज्य का हो, और पुर का मतलब होता है गांव, जिस गांव का हो, सब जगह क्या है, जो शोषित लोग हैं उनका चेहरा क्या है, एक जैसे है, और जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका भी चेहरा क्या है, एक ही जैसे है। एशिया की यूरोप की अमेरिका की गलियों की धूप एक। कह रहे हैं कि आप एशिया में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, चाहे किसी भी महाद्वीप में चले जाइए, चाहे किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ की गलियों में जो सूरज निकलता है उसकी धूप एक है। धूप से आशय यहाँ पे क्या है कि जो असामान्य करने वाली स्थितियाँ हैं, जो उस जो एक संरचनात्मक ढांचा है जिसमें शोषक लोग शोषित लोगों का शोषण करते हैं, वो सब क्या है, एक ही प्रकार का है, आपको उसमें कुछ अंतर नहीं मिलेगा। देखिए कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कह रहे हैं कि इस देश, आप अपने देश में रहिए, विदेश में चले जाइए, पर वहाँ जो शोषित लोग हैं उनके चेहरे पे जो दुख के कारण झुर्रियाँ पड़ गई है, गम की विषाद की जो लाइनें पड़ी हुई हैं, या मुख का जो आभा मलिन है, वो सब क्या है, एक ही तरह का आपको मिलेगा, चाहे वो आप कहीं भी चले जाइए। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। कहने की जोश में ताकत से मुट्ठी बांध कर कि हमको बदलना है अपने आप को, हमको समाज को बदलना है, शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करना है, अपनी स्थिति को ठीक करना है, तो ये जो जोश से भरी हुई मुट्ठियाँ हैं, ये जो अरमान दिल में हिलोड़े लेता है, वो भी सब एक है। हर जगह के लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, शोषक से कैसे निपटना है और अपनी स्थिति कैसे अच्छी करनी है, उसी जोश और उसी उत्साह के साथ लोग अपनी मुट्ठी बंद करके संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। मुट्ठियों का एक लक्ष्य पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दर एक एक पक्ष। कह रहे हैं कि ये पृथ्वी, जैसा कि आप सभी जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो इस गोल पृथ्वी के किसी भी किनारे पे किसी भी छोर पे चले जाइए, सबका क्या है, एक ही लक्ष्य है, सब सारी जनताएं एक जैसी है, सबका पक्ष एक जैसा है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कह रहे हैं कि ये देखिए, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। ये जलता हुआ लाल सितारा जो है वो मार्क्सवाद का प्रतीक है। मार्क्सवाद शोषितों को शोषक से मुक्ति देने के लिए ये एक चिन्ह बनाया है। तो कह रहे हैं कि ये जो जलता हुआ लाल सितारा है वो सब जगह का क्या है, एक ही है, और इस लाल सितारे का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो इशारा है, वो भी सब एक है, क्योंकि सभी शोषितों को उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसकी जीवन शैली दिलाना चाहते हैं और शोषकों से मुक्ति चाहते हैं। उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। उद्दीप्त मतलब
पूरा क्या कहेंगे, अब एक तरह से भावनाओं का उद्गार है, ज्वालामुखी मन में भरा हुआ है, उद्दीप्त हो गया है, ऊपर बढ़ने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए मचल रहा है। विकराल सा इशारा एक है, उसका विकराल सा इशारा एक ही है। गंगा में, इरावती में, मीना में अपार अकुलाती हुई, नील नदी आमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। कह रहे हैं कि गंगा में, इरावती में, मीना में जो ये कलकल करती जो जल धारा है, वो क्या है, शोषितों के मन का उद्गार है, उसका भावावेश है, उसका आवेश है। नील नदी आमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, इन सब नदियों में, नील नदी, आमेजन, मिसौरी, इन सब में जो पानी बह रहा है वो वेदना से गाती हुई है, और बहती बहाती हुई जिंदगी एक है। जिंदगी की धारा क्या है, एक है, अर्थात जिंदगी का मिशन एक है, लक्ष्य एक है। क्या लक्ष्य है, शोषकों से मुक्ति। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधाड़ा एक। सभी जनताओं का, सभी लोगों का, सब जगह के देशवासियों का क्या है, प्यार एक जैसा है, और उसका आक्रोश, उनका क्रोध, उनका विषाद, उनका दुख, उनकी परेशानियां क्या है, एक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये कविता काफी लंबी है, तो बाकी बचे लाइन्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।